क्योंकि ये जिन्हें भी स्पोर्ट्समैन है जिन्हें भी गैंगस्टर रहे हैं तो मैं तो एको गल कहूँगा भी यार गैंगस्टर स्पोर्ट्समैन बनना बहुत औखा है क्योंकि ये तो यार इन्हों की सोच ही वक्री होंगी है स्पोर्ट्समैन की तो एक बनाए कि नहीं है एक सरकार ने बनाए है। बाकी मैं एक चीज़ करूँगा जो कल एनकाउंटर किया कल तो यदि मैं निखेधी करता क्योंकि जेकर वह काउंटर नहीं करना चाहिए जेकर फड़ लिया लिया के चलो जो बनती सज़ा कोर्ट ने देनी सी जेकर उन्होंने कोई कार्रवाई बनती थी जी कार्रवाई कानून अनुसार बनती करती पर काउंटर नहीं करना चाहिए सी यार तेरे नाल दे बंदे आओ क्योंकि चलो ठीक है वो दूसरे कराहे पै गए तुम चलो उधर भर्ती हो गए चलो तुम अफसर दी पोस्टा इस करके जो होया वो मैं निखेधी करता माड़ा होया। इंस्पैक्टर साहब पुलिस का असं देखते हैं कि पुलिस क्रिमिनल तो खत्म कर देती है क्राइम नहीं खत्म होंगे जिन्ना चर क्राइम जरूर खड़ा है उन्ना चर क्रिमिनल तो नवे पैदा होंगे रहेंगे। देखो जी जिन्ना चर सरकार की नीत साफ नहीं ना उन्ना चर क्राइम नहीं खत्म होना क्योंकि आ हुण इलेक्शन आ गया ये तुम वेखो 70% 60% जी वोट पैनी है नशा करके पैनी इस करके सरकार ही नहीं खत्म कर देंदियां तो नहीं ये क्राइम खत्म हो सकता नशे वाले भी जोड़े तस्कर है फड़े भी जाते हैं कुछ पढ़े भी नहीं जाते कुछ बिली भुगतना भी चलते है आ जड़ा होया भी ये तो इंसाफ दो इन्हों जेकर बनती कार्रवाई की जाए क्योंकि कानून अनुसार जी कानून अनुसार बनती कार्रवाई कर दो इगनोर ना करो कल कोई ना कोई होर जिमें अज ए कतल करता कल कोई ना कोई होर कतल करूगा। पुलिस बोर्ड लगाउंदी है वड्डे वड्डे कि सानू सूचना दिओ नशा तस्कर दी असी कार्रवाई करांगे तुहाडा नाम भी गुप्त रखांगे सहयोग भी देवांगे नौजवान ने रोकिया कतल कर दिता तो तस्करां वल्लों पुलिस अजे तक खड़ी है जी। चलो SSP साहब का फोन आ गया उन्होंने एक हौलदार की ड्यूटी लाती भी आ चक पैसे 4000 रुपया तो 4000 नू ग्राम सी चिट्टा ये भी तुम्हें दस देना 4000 नू ग्राम तो एड्डी शर्म गल दी है मैं कहना महकमे हस्ते डिपार्टमेंट की एडू ना महकमा यार गर्क जे वो हौलदार साहब पी के आ गए दसो हूँ की करांगे डिपार्टमेंट का बेटा गर्क कुछ क्योंकि मेरे को इनफॉर्मेशन सी मैनू लोगों ने इनफॉर्मेशन देनी सी भाई तुहाडा हौलदार तो आप पी के आ गया यार इस करके जिहड़ी 40% फोर्स है ना वो भी नशा करती कि जेकर ऐसे तरह ही हुंदा तो किसी ने किसी को नशा तस्कर नू नहीं फड़ाउणा आपां कमेटियां भी बना बना देख लिया कमेटियां भी पिट गईयां क्योंकि कमेटियां दे छत्र पई जांदे उत्थे। तुसीं देख रहे हो लोकवाज टीवी ते मैं मनिंदरजीत सिद्धू असी देखते हैं कि पंजाब दे विच हर रोज़ नशे का भी रौला पै रहा है गैंगस्टरां दा भी चल रहा है बीते कल जयपाल भुल्लर जो कि गैंगस्टर सी उसका इनकाउंटर कर दिता गया पंजाब पुलिस वालों दूजे पासे चौंके पिंड दे इक नौजवान नशा तस्करां नूं फड़ाउंदा सी उहदा कतल कर दिता गया पुलिस वालों हजे कार्रवाई नहीं की गई नौजवान एक पासे जेकर समाज लिए चंगा करते तां वी पुलिस साथ नहीं दिंदी ते नौजवानां नूं गैंगस्टर बनदे विच वी किते ना किते कहा जांदा कि पुलिस दी वी भूमिका हुंदी है। इस मुद्दे ते गलबात करन लई साडे नाल पंजाब पुलिस दे रिटायर्ड इंस्पैक्टर ते समें-समें ते गलबात करदे आ उह जो भी समाजिक मुद्दे हुंदे आ उहनां ते बेबाकी नाल आवाज़ उठाउंदे आ। चौधरी कृष्ण लाल जी स्वागत है तुहाडा। सति श्री अकाल जी सारिआं नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। पहलां आपां गल करदे हां कल जिहड़ा इनकाउंटर होया तुसीं किवें देखदे हो देखो दो पुलिस वालां दे उत्ते गोली चली जयपाल फड़िया गया इस तो पहला जयपाल बारे कहा जाता है कि जयपाल तो फड़े नहीं जाता जयपाल से तो संपर्क च ही नहीं आ रहा पर लंबे समय तो पुलिस के हाथ नहीं आया जयपाल किवें देखते हो सारे मसले। देखो जी ये जिहड़ा मुंडे साडे कराहे च पए है ना कराहे रस्ते च पै गए है ये हैगी है लीडर की देण पहला लीडर साहबान इन्हां तो की करवाउंदे सरकार धक्के करवाउंदियां वोटां दे विच इलैक्शन आ गया उत्थे धक्के करवाउणे बूथ कैप्चिंग करवाउणी ये हुण जिहड़े ये कराहे पै चुके हैं बच्चे ये हुण जिहड़ी जिंदगी दे विच इक दो परचे हो गए फिर वापस नहीं आ सकते क्योंकि ये जिन्हें भी स्पोर्ट्समैन है जिन्हें भी गैंगस्टर रहे हैं तो मैं तो एको गल कहूँगा भी यार गैंगस्टर स्पोर्ट्समैन बनना बहुत औखा है क्योंकि ये तो यार इन्हां दी सोच ही वक्री हुंदी है स्पोर्ट्समैन की तो एक बनाए कि नहीं है एक सरकार ने बनाए है। बाकी मैं एक चीज़ करूँगा जो कल एनकाउंटर किया कल तो यदी मैं निखेधी करदा क्योंकि जेकर वह काउंटर नहीं करना चाहिए जेकर फड़ लिया लिया के चलो जो बनती सज़ा कोर्ट ने देनी सी पर जी आप किसी बंदे की जान लेनी क्योंकि 84 जूना भोग के बंदा इस जिंदगी मिलती है अपन मानस दे मिलती है ये नहीं करना चाहिए सी एनकाउंटर नहीं करना चाहिए सी जेकर वह हथ आ गया सी तो वह जो बनी कार्रवाई उन्होंने करके भेजनी फिर वड्डी गल इंस्पैक्टर की साढ़े जेडे बिक्रमजीत सिंह जी DSP है उन्होंने एक क्लास फैलो सी ठीक है जी उन्होंने भी चाहिए सी यार मेरे क्लास फैलो रहे जिन्हें भी गैंगस्टर वो भी क्लास फैलो है क्योंकि स्पोर्ट स्कूल के ही पढ़ता रहा तो भी जेकर उन्होंने कोई कार्रवाई बनती थी जी कार्रवाई कानून अनुसार बनती करती पर काउंटर नहीं करना चाहिए सी यार तेरे नाल दे बंदे आओ
क्योंकि चलो ठीक है वो दूसरे कराहे पै गए तुम चलो उधर भर्ती हो गए चलो तुम अफसर दोस्टा इस करके जो होया मैं निखेधी करता माड़ा होया। इंस्पैक्टर साहब पुलिस का अं देखते हैं कि पुलिस क्रिमिनल तो खत्म कर देती है क्राइम नहीं खत्म होंगे जिन्ना चर क्राइम जरूर खड़ा है उन्ना चर क्रिमिनल तो नवे पैदा होंगे रहने। देखो जी जिन्ना चर सरकार की नीत साफ नहीं ना उन्ना चर क्राइम नहीं खत्म होना क्योंकि आ हुण इलेक्शन आ गया ये तुसी वेखो 70% 60% जी वोट पैनी है वह नशा करके पैनी है क्योंकि नशा वंडना इन्होंने तो जी पिछली वोट पैगी उन्होंने खरीद लेनी है दोबारा फिर उत्ते सिस्टम इस करके सरकार ही नहीं खत्म कर देंदियां तो नहीं ये क्राइम खत्म हो सकता। नशे वाले भी जोड़े तस्कर है फड़े भी जाते हैं कुछ पढ़े भी नहीं जाते कुछ बिली भुगतना भी चलते हैं तो इस करके मैं तो पुलिस डिपार्टमेंट में यही गल कहूँगा भी जोड़ा आ जोड़ा होया भी ये तो इंसाफ दो इन्हों जेकर बनती कार्रवाई की जाए क्योंकि कानून अनुसार जी कानून अनुसार बनती कार्रवाई कर दो इगनोर ना करो कल कोई ना कोई होर जिमें कतल करता कल कोई ना कोई होर कतल करूगा। ठीक है एक असी देखिए कि पुलिस तुम्हें क्या पोलीटिकल सरकार का तो शह होंगी है क्योंकि सरकार ने वरतना होंगे पुलिस भी कितना कितने वरतती है गैंगस्टर। देखो जी पुलिस गैंगस्टर तो मैं तो नहीं कह सकता जी पुलिस वरती क्योंकि मैं भी इस डिपार्टमेंट के गया पर थोड़ा घना हैगा पुलिस का भी साथ है क्योंकि ये चीज़ नहीं भी कोई फड़िया ना जाए क्योंकि कलकत्ता हुण देखो जयपाल पहला भी इतने सीगा तो हुण किवें इन्होंने जाके उत्थे एनकाउंटर करता यार कलकत्ते दे विच जाके इस करके पुलिस नूं सारा ही पता हुंदा अफसरां नूं पता हुंदा भी किहड़ा क्योंकि लोकेशन ला के हुण देखो कलकत्ता कित्थे है वेस्ट बंगाल दे विच है उत्थे जाके लोकेशन तो पहला भी लोकेशन ला के पढ़ सकदे सी इस करके सारा रलिया मिलिया सिस्टम है जिन्ना चर ये सरकार ना जिन्ना चर इन्हों का सिस्टम खात्मा नहीं होंगे नवी जनरेशन की पीढ़ी नहीं आती जी लखे सधाणे वर्गे दीप सिद्धू वर्गे की सोच लोग पंजाब नहीं आते नवी सरकार फ्रंट नहीं बनता उन्होंने चर यही आप सिस्टम चली जाना तो पता ही है पुराना बाकी तुम्हें पता ही है जो पुराने लीडर का की है चाचा गया भतीजा आया ये बस नाल दी नाल भी वो गया वो आया काम एक ही इन्हों का अकाली दल गए कांग्रेस आ गई कांग्रेस गए अकाली दूसरा फ्रंट तो आने नहीं देना दूसरा फ्रंट आऊ तो इन्हें काबू पा सकते हम आप गल करते हैं चौके के नौजवान का कतल होया पुलिस बोर्ड लगाउंदी है वड्डे वड्डे कि सानू सूचना दिओ नशा तस्कर की असी कार्रवाई करांगे तुहाडा नाम भी गुप्त रखांगे सहयोग भी देवांगे नौजवान ने रोकिया कतल कर दिता तो तस्करां वल्लों पुलिस अजे तक खड़ी है जी। देखो जी मैं उही तो कहने मैं SSP साहब नूं अपील करूँगा DIG कमिश्नर साहब नूं इत्थे अपील करूँगा कि जेकर ऐसे तरह ही हुंदा तां किसी ने किसी नूं नशा तस्कर नूं नहीं फड़ाउणा आपां कमेटियां भी बना बना देख लिया कमेटियां भी पिट गईआं क्योंकि कमेटियां ते छत्र पई जांदे उत्थे जिहड़ा कोई कहिंदा ना उह रात नूं जांदा उहदी बांह तोड़ जांदे लत्त तोड़ जांदे नहीं छेड़ी फिर इहनां दे इरादे खौफ खौफनाक इरादे आ ते फिर इहनां नूं इहनां दे इरादे बुलंद आ ते कौण कीते बुलंद मैं किवें ने कीते उह पिछे जे इक आपणे कोटली अंदरों आके मैं तुम्हें पहले ही दस्या भी अंदरों आके छुट्टी ते आए बंदे बंदा मार गए दसो परोल ते आए बंदे ने बंदा मार गए कि उहदा काम सी उहने एक मुखबरी दित्ती सी भी आ बज तस्कर है इस करके जेकर आए काम चलता रहूगा यह नशा खत्म नहीं हुंदा पंजाब दे विच नहीं हुंदा। नौजवान नशे के उत्ते भी जेकर असीं दोनों पक्ष देखिए एक नौजवान ने कतल किया एक का कतल होया नशा विकाउण दे विच भी कितना कितने जिवें आ जांदा कि वड्डे वड्डे लीडरां दे भी नाँ आए है समय समय दीआं सरकारां दे विच समय समय ते लीडरां दे नाँ आउंदे रहे है दूजे पासे नौजवान रोकण वालां दे कतल होंदा दोनों पासे सरकार आ जिहड़ी नौजवानां नूं वरत रही है। देखो मैं तुहानूं एक वधिया गल दस सकदा मैं दस के जाऊँगा अज कि मैं अजे तक किसी चैनल पर नहीं दसी पिछे जे मैं सिमरजीत सिंह बैंस साहब के नाल पार्टी के विच सी हल्के इंचार्ज सीगा मैं मलोड़ दा ते तुहानूं पता भी जिहड़ा बैंस साहब दे असीं काम करदे सी खौफनाक बेखौफ होकर करते हैं असं बेबाक बोलते हैं क्योंकि बोलना ही उन्होंने तो सीखे मैं तो मैं एक चीज़ दसूँगा भी पिछे जे एक ट्रैप करना सी चिट्टे ते ये साढ़े मलोट एरिया मैं ना अफसर का नहीं लैना ना ही मैं हौलदार का नालों चिट्टे ते ट्रैप करना सी ते मैं SSP साहब नूं कहा भी SSP साहब भी आपां इहदे चिट्टे ते ट्रैप करना जे तुसीं नहीं कीता कल मैं कर दूँ क्योंकि असीं बैंस साहब दे जेले हैं तो असीं चिट्टे तो मैंने आता ट्रैप करना मैं मंगा के ट्रैप कर दूँ फिर बदनामी होगी क्योंकि मैं डिपार्टमेंट चो गया मैं नहीं कहता भी मेरा महकमा डिपार्टमेंट बदनाम होवे उत्थे सी SHO साहब उन्होंने फोन किया SSP साहब ने जाओ मिलो SHO साहब को मैं गया उन्होंने मैं कहा भी आ बंदा वेची लेडीज वेची जाती है ये ट्रैप करो तो मैं थाने बैठा है चलो SSP साहब का फोन आ गया उन्होंने एक हौलदार की ड्यूटी लाती भी आ चक पैसे 4000 रुपया तो 4000 ग्राम से चिट्टा ये भी तुम दस देना 4000 ग्राम तो वह कहते भी जा ले आ जाके तो वह गया शाम तक नहीं आया तो शाम को मैं 5 बजे फिर SHO को गया मैं क्या भी बुला हौलदार जिहड़ा चिट्टा जिहड़ी बरामदगी करवानी सी आपां कोई बंदा उन्हें तैयार किया मुकर सेल कराने वास्ते तो एड्डी शर्म गल दी है मैं कहना महकमे वास्ते डिपार्टमेंट की एड्डू ना महकमा यार गर्क जे वो हौलदार साहब पी के आ गए दसो हुण की करांगे डिपार्टमेंट का बेटा गर्क हो चुके हौलदार साहब पी के आ गए उत्थों ही उत्थों क्योंकि मेरे को इनफॉर्मेशन सी
ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਦਰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ 40% ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਟੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, 24-24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ। ਚਲੋ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਈਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੀਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਾਲਾ ਚਮਚਾ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਨਾਕਾ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਨੱਕ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਫੋਰਸ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਕੇ ਬੰਨ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਆ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਖੁੱਡੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਵੇ, ਨਵੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਮੁੰਡੇ ਆਉਣ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਆਈ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੂਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚੌਧਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆ 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕ੍ਰਾਈਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਹਿਮਤਾਜ ਢੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਲੋਕ ਵਾਈ ਟੀ ਵੀ, ਬਠਿੰਡਾ।